बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रात 12 बजे लॉकडाउन हो जाएगा, तो इसके सिलसिले में हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें हम आवाम की राय जानते हैं कि आवाम इस सिलसिले में क्या कहते हैं। यहाँ पे हमारे पीछे एक दुकान है, सेल मेला फैमिली सेल, तो इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी इस बारे में क्या राय है। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं भाई जान? हाँ, अल्लाह का करम है। आप काम शाम कैसा जा रहे हैं आप? बस काम आपके सामने रज़ा भाई। आज जो है 12 बजे के बाद आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि आज लॉकडाउन है, तो इस सिलसिले में बस आज बैठे हैं, कल देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हम भी इसी मौजू के ऊपर वीडियो बनाने के लिए निकले थे। आपका क्या ख्याल है, ये लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या कैसे गवर्नमेंट को कोई दरमियाना या तीसरा रास्ता इसमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए ये है कि इससे कोई दूसरा तरीका अख्तियार कर ले, कोई स्मार्ट लॉकडाउन के तरीके पे आ जाते। हर आदमी SOPs पे अमल कर रहा है, हमारे पास भी है, हम भी मास्क लगा के जो भी कस्टमर आता है पहले उसके हैंड वॉश करवाते हैं, उस पर अमल करते हैं। इस सिलसिले में यही होता है कि SOPs पे अमल किया जाए, और ये जो संडे और शायद जो दो 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 दिन थे हफ्ता इतवार ये थे, इसको ओपन करना चाहिए था। अगर आप ये बंद करना चाहिए था ना आज 12 बजे, तो इस दिन को हफ्ता और इतवार को ओपन करना चाहिए था। यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इस पे अमल किया जाए, और आप मीडिया वालों से भी यही गुजारिश है कि इस पे ज़रा हमारे साथ तआमन करवाया जाए। अच्छा, यानी आपके ख्याल में हफ्ता इतवार बाज़ार खुले रहने चाहिए थे अगर ये लॉकडाउन होना था? जी जी रज़ा भाई, इसी ये खुलने चाहिए थे, और लोग SOPs पे अमल कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और तो दुकानदारों से भी कहते हैं। वज़ीर आला से यही गुजारिश है सर हमारी कि आप ये ना करें, ये लॉकडाउन है ना, गरीब के लिए, गरीब मर जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे एक और दुकानदार मौजूद हैं, जानते हैं इनकी राय ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। हेलो, 40,000 रुपये इसी दुकान का किराया दे रहे हैं जी, मुलाजमान का खर्चा यो। तीन चार दिन, दो महीने से पीछे बिल्कुल डाउन रहे हैं, दो महीने से डाउन रहे हैं। अभी पलों खादा, हम 10-15 दिन साढ़े लगने जे, हूँ अस देखो यार 3 दिन साढ़े पीछे है जी, मजबूर अस ताकि साड़ी दुकाना खुली रहें। अच्छा, तो फिर यदा मतलब तुम कहने कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए सी, हफ्ता इतवार नू बाज़ार आटोमैटिकली बंद हो जाते हैं, तो अगे वैसे ही हफ्ता इतवार आ जाना? हाँ जी, तो कोई हाँ जी, दो तीन दिन सानू मिल जाने चंगी गल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। भाई जान क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ। अमजद साहब आपको, आप अब्दुल रऊफ जी, अब्दुल रऊफ भाई आपको पता होगा कि 12 बजे न्यूज़ में आया है कि आज रात लॉकडाउन हो जाएगा, तो आप क्या कहते हैं कि लॉकडाउन 12 बजे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बहुत बड़ी आवाम के साथ ज़्यादती है, यह बहुत बड़ा धोखा है आवाम के साथ। अगर इन्होंने कोई ऐसा फैसला करना था तो इससे पहले ये करते, इन टाइम पे ये फैसला करके, ये जो लोग परेशान है, ये कारोबारी लोग, उन्होंने पैसे कर्ज पे लिए हुए हैं कि फलां वक्त ड्यू के पे आप फलां दिन के दोगे, फलां दिन को पैसे वापस देंगे। अब वो लोग परेशान हैं, अब ये लड़ाई झगड़े का बाइस बनेगा कि ना बनेगा, जब लोग पैसे मांगेंगे, टाइम पीछे क्या है, ठीक है? नहीं, ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि अपने बच्चों को क्या लेके देंगे? अच्छा, तो फिर क्या अपने घर में क्या लेके जाएंगे? वो पिछली ईद पे जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि बाज़ार खोल दिए जाएं, तो आपको पता है उसके बाद ईद के फौरन बाद किस तरह बुरी तरह से ये एकदम वबा फैली और पूरे पाकिस्तान में इसने घराव किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पहले से रेशो कम है, तो फिर क्या करना चाहिए था? हम बात भी तो नहीं मानते, SOPs के ऊपर अमल भी नहीं करते, तो क्या करना चाहिए था फिर? एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कहती है जी अब कोरोना ख़त्म हो गया, अब गवर्नमेंट की बात माने कि आवाम की माने? अब ये गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने, तो फिर कोरोना कहाँ पे है? लेकिन वायरस तो है ना, वायरस तो है, वायरस। मेरी बात ये है कि लोगों को वो कैसे पहले अमल करवा रहे थे, अगर वैसे ही अमल करवाते रहते तो ये सूरत हाल ना होती। अचानक ऐलान करने से पता लोगों का चूल्हा बंद हो गया, लोगों की जो बच्चों की शॉपिंग करनी थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है? नहीं, इतनी परेशानी का ये बाइस बना, ये अचानक का फैसला, इनका जो ना फैसला जो अचानक किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी ज्यादती है आवाम के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा है आवाम के साथ।
कुछ लोग ना ऐसा सोचते हैं कि मतलब लॉकडाउन करने से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर लॉकडाउन करना है तो अच्छे से करें, एक हफ़्ता कर लें, एक माह कर लें, अच्छे से लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगा दें ताकि सारा मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, कोई मसला ना हो, ये मतलब जो दोबारा हमें बाज़ार खोले हैं इसका कोई प्रॉब्लम ना हो, या अच्छे से कर दें या ना करें, क्योंकि जो गरीब बंदे हैं वो मर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा रोज़गार नहीं चल रहा, हम क्या करें। ठीक है, एक वायरस है, हमने इससे बचना भी है, मतलब इसके साथ लड़ना भी है, कर रहा है कि ठीक है, पिछली बार कहते थे कि ज़्यादा हो गया था, रेशो ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अगर करना है तो उससे पहले इस पर जो है वो बंदा करता है, नज़र करता है कि हमने पहले क्या करना है। लेकिन अब जब लोगों ने इतनी उम्मीदें रखी हैं, लोगों के पता नहीं क्या क्या विसाइल्स हैं इस ईद के, जो ईद के मौका पर लोगों ने अपने क्या क्या काम करने थे, कुछ लोगों ने अपनी बेटियों की शादियाँ करनी है ईद का काम करने के बाद, तो अब वो सारा जो है प्रोसेस वो ख़त्म कर दिया, वो सारा मसला हो गया, तो ये लोगों पे जो गरीब लोग हैं उन पे तरस आना चाहिए लोगों को, हमारे पाकिस्तान। अगर इन्होंने लॉकडाउन करना ही था ना, ये जो पिछले हफ्ते तो आठ थे ये ही खोल देते, ठीक है ना, कि इन लोगों को ये परेशानी ना होती, हमें भी पता होता ये फलां दिन को ये लॉकडाउन होगा, उससे पहले पहले जो जिसने जो तैयारी करनी थी वो अपनी तैयारी कर लेता, जिसने किसका लेन देन करना था वो कर लेता। अब अचानक फैसला देखो, इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया इस आवाम के साथ, बहुत बड़ी ज्यादती की इस आवाम के साथ, और यकीन करें हमें परेशानी, आप सोच सोच के परेशान हो गए, क्या करें, बच्चों को कपड़े तक नहीं लेके दे सकते हम, क्या करें, लोगों को पैसे दें तो बच्चों को कपड़े लेके दें। जी बिल्कुल, आपने सुना ये सारे दुकानदारों की बातें आप लोगों ने सुनी नाज़रीन, के गवर्नमेंट ने बिल्कुल अचानक ऐलान करके इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर इन्होंने लॉकडाउन करना है तो वो पहले अनाउंस कर देते, तीन चार दिन पहले, सैटरडे संडे नहीं ऑफ़ करते, वो खुला रहने देते, क्योंकि सैटरडे संडे, अब इन सब की उम्मीदें जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी उन उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। जी यहाँ पे हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये जो रात 12 बजे लॉकडाउन हो रहा है, इस सिलसिले में इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अबू बकर शेख। अबू बकर भाई, रात 12 बजे लॉकडाउन हो रहा है, आपको पता होगा? हाँ जी पता है, न्यूज़ में सुना है आपने, तो आपके ख्याल में लॉकडाउन होना चाहिए था, शॉपिंग कम्प्लीट हो गई हुई है या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? नहीं होना नहीं चाहिए, ये गलत है भाई। तो क्या होना चाहिए था, मतलब ये जो वबा फैल रही है इसको फैलने दें फिर? दो चार दिन तो लगने चाहिए भाई, जो गरीब आवाम है वो किधर जाएगी, ये शॉप वाले बंद करके घर बैठ जाएं, यही दो दिन है काम का यार। तो अगर हफ्ता एतवार बाज़ार खोल दिए जाते तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? वो एक अलहदा बात है, हफ्ता दें और एतवार बंद करें, ये दो दिन तो लगने दें हमारे, ये ईद वाले। तो आपके ख्याल में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, तो फिर SOPs के ऊपर पूरा अमल हो रहा है, वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, बाज़ार नहीं बंद होने चाहिए। आपने खुद भी मास्क नहीं पहना हुआ, आपने भी SOP के ऊपर अमल नहीं किया हुआ, तो फिर क्या करे हुकूमत, जब आप किसी तरह भी उनकी बात नहीं मानते? हम मास्क पहनते नहीं, हम सारा दिन इधर खेल कर आए हैं, हम मास्क नहीं पहनते, हमें कोई लोड़ नहीं मास्क की। तो काम क्या करते हैं आप? हम काम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं, काम कोई भी नहीं करते। तो आपको फिर इससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है? हमारी शॉप है इधर डाकना चौक में, किस चीज रेडीमेड की? क्या नाम है? वह हमजा गारमेंट्स। हाँ जी। तो अच्छा, आपके ख्याल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये दो तीन दिन जो ईद के करीब के दिन थे ये खुलना चाहिए था बाज़ार, जिसमें दुकानदार अच्छी अपनी सेल कर सकते हैं और ख़रीदारी आवाम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकती है? नहीं होना चाहिए दो दिन। ये हमारे साथ एक और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी भी राय जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं कि रात को लॉकडाउन जो हो रहा है वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसम रसूल जी। आप दुकानदार हैं या यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए थे? मैं जी दुकानदार हूँ जी। दुकानदार हैं आप? अच्छा, आपको पता होगा न्यूज़ चैनल में आया है कि रात को 12 बजे लॉकडाउन हो जाएगा, तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? ये सरासर गलत है जी, किराए की जो उनकी दुकानें हैं उन्होंने पकड़ कर पैसे डाले और चांद रात का वादा किया हुआ है, जिसकी वजह से इनके पास पैसे नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? ये तो कर्ज लेने वाले इनके पास आएंगे, इस करके ये गलत बात है, बहुत ज़्यादती हुई है।
दुकानदारों के साथ अवाम के साथ ज़्यादती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। तो फिर ये क्या वो बाप फिर फैलने देते क्या करते फिर? क्योंकि आपको पता है पिछली ईद पे भी जब गवर्नमेंट ने दुकान खोले हैं, बाज़ार खोले हैं, तो किस तरह रश हो गया था। तो क्या फिर क्या इसका क्या करते हैं आप? ये जी रश जो था ना, ज़रूरतमंद है वो आएगा, लॉकडाउन में भी आएगा। ये ज़्यादती है जी, पकड़ के इन्होंने पैसे पाए हुए हैं दुकानदारों ने, चांद रात का वादा किया हुआ है। और कुर्बानी भी जोन सी है ना, चांद रात पर ही लेनी थी इन्होंने, और ये कहाँ जाएंगे? कुर्बानी के लिए भी नहीं है इनके लिए पैसे, और लोगों से कर्ज लिया हुआ है, उधार पाए हुए हैं पैसे, सरासर ज़्यादती है जी। आपने कुर्बानी ले ली है? नहीं जी, हमने नहीं ली कुर्बानी, अभी लेनी थी, अभी लेनी थी, चांद रात वाले दिन लेनी थी, चांद रात को लेनी थी। अच्छा, तो अब क्या करेंगे आप? अब हम सोच रहे हैं जी क्या करें हम पे। हमारे साथ कुछ दोस्त खड़े हुए हैं, ये जूतियों की शॉप पे मेरा ख्याल शॉपिंग करने आए थे, तो इनसे पूछते हैं कि ये जो रात 12 बजे लॉकडाउन हो रहा है, इसके बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जान आपका? खालिद खान। खालिद खान, खालिद भाई आप बताएँगे कि ये जो रात 12 बजे लॉकडाउन हो रहा है, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? इनको चाहिए तो ये था कि लॉकडाउन ना करते, क्योंकि देखे ईद है ना, ईद की वजह से लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है, तो इनको चाहिए था यही कि ये ना करते। और हफ्ता त्यौहार तो वैसे भी लॉकडाउन है, आगे हफ्ता त्यौहार आ जाना था छुट्टी का, लेकिन इन्होंने अभी नहीं, इनको करना चाहिए था। आपने शॉपिंग कर ली है ईद की? नहीं, अभी कर रहे हैं। क्या ख़रीदा गया है और रह गया गया? बस अभी शूज़ ख़रीद रहे हैं, बहुत महंगे हैं, महंगाई आगे बहुत की है इमरान खान ने। तो ईद पे आपने शूज़ करने हैं बकरे की जगह पे? नहीं नहीं, शूज़ नहीं ना, बकरे भी करने हैं और भेड़े भी करने हैं। बकरे भी करने हैं और भेड़े, वो ले लिए हैं? हाँ जी ले लिए। वो उनकी उनकी उनके रेट कैसे हैं, सही हैं या? उनके रेट भी तो आसमान को छू रहे हैं, देखो अभी एक देख रहे हैं उसका 80,000 लगाया, तकरीबन 70 के तक ले लेना। चल जी व्यूवर्स, जितनी भी आपने ये सारी वीडियो देखी जिसमें हमने अवाम से मुख्तलिफ किस्म के उनके राय अजहार ख्याल उन्होंने अपना पेश किया, दिली एहतराम करते हैं और उनके फ़ैसलों को मानते हैं, लेकिन हर इंसान की एक अपनी अपनी राय है जो आपने सुनी, और हर इंसान को अपना अजहार ख्याल करने का हक है।